नाजरीन अभी हमारे साथ इंडिया से रोहित शर्मा लाइन पर मौजूद है। रोहित जी थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस सर। थैंक यू। अच्छा रोहित साहब, सबसे पहले तो आप ये फरमाएं कि अब इस वक्त आप हिंदुस्तान के कौन से शहर में हैं, और ये जो कोरोना वायरस है, आज सिर्फ हम इस पे बात करेंगे कि इसकी इंटेंसिटी आपके यहाँ कितनी है और आप क्या समझ रहे हैं इसके जो इकोनॉमी के ऊपर है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। देखिए अभी तो हालत ये है कि महाराष्ट्र में अभी ज्यादा दिख रहा है, दिल्ली में हूँ मैं खुद तो दिल्ली में इतना अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन सिचुएशन बिगड़ती जा रही है डे बाय डे, और पूरी दिल्ली को लॉकडाउन कर दिया गया है। आसपास के सिटीज को सैटेलाइट टाउन जिन्हें बोलते हैं, नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद, इन सबको भी लॉकडाउन कर दिया गया है। कोई आदमी, कोई अननेसेसरी मूवमेंट नहीं हो रही, पुलिस ने हर जगह बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, महाराष्ट्र पूरा लॉकडाउन पर चल रहा है। और इसकी इंटेंसिटी ये है कि अभी अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर आपको भीड़ बहुत मिलती है, तो वो एक्सपोनेंशियली फैलने का डर है। इसलिए गवर्नमेंट पूरे स्टेप्स उठाते हुए अभी तो मतलब ये मानिए कि आपको ज्यादातर एरियाज जो के मेजर सेंटर्स हैं, दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात के कुछ डिस्ट्रिक्ट, ये सारे लॉकडाउन पे हैं। अच्छा, इस वक्त आपके पास कितने पेशेंट हैं और कितने ऐसे हैं जिनको आपने ट्रीटमेंट करके और आपने उनको जो है वो घरों पे भेज दिया है, और कितने ऐसे हैं जिनको आपने आइसोलेशन सेंटर में रखे हुए हैं? पेशेंट्स हमारे पास 500 के आसपास हैं। अच्छा। और जो ठीक होके गए हैं वो उनकी नंबर अभी काफी कम है, बिकॉज ठीक होने में टाइम लगता है, वो 20-30 के आसपास है। लेकिन आगे पोटेंशियल थ्रेट जो हमें दिख रहा है, हम लोगों ने सारी डोमेस्टिक फ्लाइट्स और सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद कर दी हैं ताकि पेशेंट्स इधर से उधर, मतलब इंफेक्शन इधर से उधर ना फैले। अभी जो हम लोगों के पास जितने भी पेशेंट्स हैं वो दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल में, ITBP सेंटर में, ये सारे के सारे वहां पर इनका ट्रीटमेंट चला है। लेकिन लॉकडाउन इससे ज्यादा, जो कि पेशेंट्स हैं उससे ज्यादा ये कि कोई भी आदमी अगर इंफेक्टेड मिल रहा है तो उसकी पूरी फैमिली को, और वो पिछले एक हफ्ते में जितनों से मिला है उन सबके घर के बाहर ताला लगा दिया गया है। रियासत, तो वो लोग जो रियासत जो है वो स्ट्रांग तरीके से उनके खिलाफ एक्शन कर रही है। अब एडमिनिस्ट्रेशन इमीडिएटली जिन जिन से वो मिला है पिछले एक हफ्ते में सबके घर के बाहर, सबको अंदर बंद के घर के बाहर से लॉक कर दिया। अच्छा, तो अच्छा रोहित जी, मैं आपसे एक सवाल रख रहा हूँ, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट है, मेरी आपसे काफी प्रोग्रामों में भी मुलाकात होती रहती है टीवी चैनल, आप इस कोरोना वायरस का दुनिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? हम अगर देखें, इसको कंपेयर करें फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के डैमेजेस से, इस वक्त पूरी की पूरी दुनिया की जो टूरिज्म मार्केट है, जो एयरलाइन है, वो बिल्कुल बंद हुई है। तो आपकी हब है, IT का आप हब है, इंडिया बहुत अच्छा तरक्की कर रहा है टेक्नोलॉजी में, दूसरी चीजों में, तो आप इसका रिजल्ट इंडिया के ऊपर खासतौर पर इकोनॉमी पे क्या देख रहे हैं? इंडियन इकोनॉमी पे बड़ा खराब इम्पैक्ट है इसका। अभी तक जो एस्टिमेट है वो 600 लाख करोड़ रुपीज का इम्पैक्ट पड़ रहा है। पूरा ये टूरिज्म टाइम था जो कि कोरोना का टाइम बना, उस टाइम पे हमारे सारे होटल्स बुक्ड होते हैं, जयपुर, आगरा, इधर और दूसरे शहरों में टूरिस्ट भरे होते हैं, इस समय एक भी टूरिस्ट अवेलेबल नहीं है। जो टूरिस्ट आए थे वो भी कुछ कोरोना डिटेक्ट हुआ उनके अंदर, खासतौर से इटली से जो आए थे, तो उनको भी आप क्वारंटाइन में डाल दिया गया। इस समय हम लोग हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट लैंड ही नहीं कर रही हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट कल से लैंड करनी बंद हो जाएंगी, तो अब तो टूरिज्म का मतलब नहीं है। और उसके ऊपर जो इम्पैक्ट है हमारी डोमेस्टिक जो सर्विसेज हैं उस पर भी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। अच्छा, आपके यहाँ हिंदुस्तान के, रोहित आपके यहाँ हिंदुस्तान में ज्यादातर पेशेंट कहाँ से आए? सबसे ज्यादा पेशेंट्स हमारे पास महाराष्ट्र में है, करीब 50 के आसपास टच कर रहा है वो, और उसके बाद केरला में है। ये वो लोग हैं जो कि दुबई वगैरह या इटली गए थे और वापस आए, खासतौर से गल्फ, दुबई और इटली से इंडिया में आया, और अभी लॉकडाउन के बाद ये गिरने चाहिए चांसेस, बिकॉज एक हफ्ता लगता है लॉकडाउन का असर दिखने में, तो ये गिरने चाहिए, लेकिन अच्छा, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत हाई है। अच्छा, लॉकडाउन को थोड़ा डिफाइन करें, आप लोगों ने क्या कर्फ्यू लगाया हुआ है या लॉकडाउन में आपके लिए सर्टन चीजों को अला हुआ है कि कुछ लोग बाहर आए, या बिल्कुल आपने उसको कर्फ्यू के हिसाब से कर दिया? लॉकडाउन का मतलब आपके मेट्रो नहीं चल रही है, सिर्फ 25% लोकल बसेस चल रही हैं,
दिल्ली में बाहर से कोई बस नहीं आ रही है, कोई ट्रेन नहीं आ रही है, कोई फ्लाइट नहीं आ रही है, दिल्ली से बाहर नहीं जा रही है। सब लोगों को बोल दिया गया है कि घर के अंदर रहें, एसेंशियल सर्विसेज अवेलेबल हैं, दूध अवेलेबल है, खाने का सामान अवेलेबल है, एक आदमी जाए खरीद के ले आए। मैं खुद एक सहाफी हूँ, अभी मैं दूसरी स्टेट से दिल्ली में आया हूँ तो दो जगह मुझे अपना आई कार्ड दिखाना पड़ा, तब मैं उस बॉर्डर को क्रॉस कर पाया। Right. क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने खुद सहाफियों के लिए परमिशन दे रखी है, इसलिए अदरवाइज मुझे वहीं से वापस टर्न करा दिया गया होता कि आप अपने घर जाइए। रोहित जी थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी।